अध्यक्ष जी आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाजा आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है, उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और जेल ना ऐसे बेचारों को पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी कभी कभी मैं ये विशेष बहुत प्यार से कह रहा हूं, नाराज मत हो जाना। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी, थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता, हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते। और इसलिए खैर, अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। और यहां मैंने देखा, हमारे अधीर रंजन जी कह रहे थे क्या रखा है, मोदी 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 करते रहे, तो है ये भी कर रहे थे। हाँ सब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं, हाँ क्यों बोल रहे हैं। आप लोग सुबह सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय आप समझेंगे, समझाएंगे, आप पूरा सुनो, सब समझाएंगे। सदन में थोड़ी बहुत टोका टोकी तो आवश्यक होती है, जरा गर्मी रहती है, लेकिन जब सीमा के बाहर जाता है तो जरा लगता है कि हमारे साथी ऐसे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनकी पार्टी के एक एमपी ने चर्चा की शुरुआत की थी, और यहां से कुछ छोटा मोटा नोकझोंक चल रहा था, और मैं मेरे कमरे से स्क्रीन पे देख रहा था कि हमारे मंत्री प्रहलाद जी पीछे गए, सबको रोका, और वहां से चैलेंज आई कि अगर हमें रोकोगे तो तुम्हारे नेता का ये हाल करेंगे। क्या इसी का ये हो रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपको हर एक को अपना सीआर सुधारने की कोशिश तो करनी चाहिए। और मैं मानता हूं जितना किया है उसे आपका सीआर ठीक हो गया है। जिन लोगों को रजिस्टर करना है आपके इस पराक्रम को कर लिया है जी, ज्यादा क्यों कर रहे हो। इस सत्र में तो कोई आपको नहीं निकालेगा, विश्वास करो। इस सत्र में आपको कोई निकालने का नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, इस जगह से। अरे वे ऐसे ही बच गए हो। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु आखिर में 1962 में
पहले करीब 60 साल पहले आपको मौका मिला था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है, पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी ना आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। इस बार अधिरंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे, चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं, तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई, जरूरत हुई आप जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा, उन्हें आईना मत दिखाइयो, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे।